1967 में एक फिल्म रिलीज हुई, नाम था एन इवनिंग इन पेरिस। इस फिल्म के मुख्य कलाकार जो हीरो थे वो थे शम्मी कपूर। और आपको जानकारी दे दूं, एन इवनिंग इन पेरिस, ये फिल्म पेरिस के बैकग्राउंड पर आधारित है, पेरिस की एक शाम। तो ये जो है मूवी पेरिस की शाम के बारे में बताती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पेरिस की शाम, एन इवनिंग इन पेरिस नाम की ये फिल्म पेरिस में फिल्माई ही नहीं गई। खर्चों को कम करने के लिए फिल्म निर्माता ने इस फिल्म की शूटिंग करवाई थी लेबनान में। जी हाँ, वही लेबनान जहां इन दिनों धमाके ही गूंज रहे हैं। इसराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है और ये हमले अब लेबनान से हटकर सीरिया तक पहुंच गए हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं लेबनान की कहानी कि कैसे पेरिस से ज्यादा खूबसूरत एक देश आज खंडहर में बदलता चला गया है। कौन है इसके जिम्मेदार, क्या चल रहा है इसराइल फिलिस्तीन लेबनान इराक और ईरान के बीच में। आज मैं आपको बताने वाला हूं इतिहास से लेकर वर्तमान तक की पूरी जानकारी। जुड़े रहना लास्ट तक इस लेक्चर से और अपने सामान्य ज्ञान और इंटरनेशनल रिलेशन की जानकारी को बढ़ाते रहना। आइए जुड़ते हैं। तो फिलिस्तीन का साथ देना लेबनान की किस्मत में है। लेबनान अपनी किस्मत से बचकर नहीं भाग सकता। 1969 में राजधानी बेरूत में अपना पसंदीदा सिगार पीते हुए ये बात लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री साइब सलाम ने कही थी। दरअसल साइब से एक पत्रकार ने पूछा था कि फिलिस्तीन का साथ देने से क्या वहां की सरकारें लेबनान की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर रही हैं? उनके इंटरव्यू को 55 साल बीत चुके हैं। इसराइल अपने टैंक और हथियार लेकर एक बार फिर लेबनान में घुस चुका है, लेकिन इसे देखने के लिए साहिब सलाम अब जिंदा नहीं है। लेबनान और इसराइल के आमने सामने होने की वजह वही फिलिस्तीन है जिसके लिए लेबनान ने दूसरे अरब देशों के साथ मिलकर इसराइल से जंग लड़ी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि लेबनान अब अरब देशों यानी सऊदी अरब, मिस्र, सीरिया में अकेला है जो फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा है। लगभग 700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जब हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। पर लेबनान ऐसा करता क्यों है, अपने लोगों की सुरक्षा को ताक पर रखकर इसराइल से क्यों लड़ता रहता है? तो आपको बता दूं, लेबनान वो देश है जहां जीसस ने पानी को वाइन में बदल दिया था। वहां अब हिजबुल्ला का कब्जा है। लेबनान की गिनती दुनिया के सबसे छोटे देशों में होती है। इस पर रोमन, ग्रीक, तुर्कों, फ्रांसीसियों का राज रह चुका है। 217 किलोमीटर लंबे और 56 किलोमीटर चौड़े इस देश की आबादी लगभग 55 लाख है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर यानी तुर्कों के हारने के बाद 1916 में पश्चिमी देशों ने मिडिल ईस्ट की सीमाओं को अपनी मर्जी और हितों के मुताबिक बांटना शुरू कर दिया था। सीरिया पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया था। फ्रांस ने ही 1920 में सीरिया के पश्चिम हिस्से को काट कर लेबनान बना दिया। यही वजह है कि लेबनान पर फ्रांस के कल्चर का असर दिखाई पड़ता है। वहां के लोग अरबी भाषा के अलावा अंग्रेजी और फ्रेंच भी बोलते हैं। लेबनान उत्तर और पूर्व में सीरिया से घिरा हुआ है, जबकि इसके दक्षिण में इसराइल है और पश्चिम में भूमध्य सागर है, जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे। लेबनान में आखिरी बार 1932 में जनगणना हुई थी। तब वहां सबसे ज्यादा 51% आबादी ईसाइयों की थी। इसके बाद 22% सुन्नी और 19.6% शिया मुसलमान थे। 92 साल में वहां ईसाइयों की आबादी घटकर 32% रह गई है। शिया बढ़कर 31% हो गए हैं और सुन्नी अब 32% है। लेबनान को 1940 में आजादी मिली और तय यह हुआ था कि ईसाई देश का राष्ट्रपति होगा, सुन्नी प्रधानमंत्री बनेगा और शिया संसद का स्पीकर होगा। लेबनान में आजादी के 10 साल बाद ही यानी 1952 में महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले, जबकि इस पर 1960 का दशक लेबनान में गोल्डन एज के तौर पर याद किया जाता है। मिडिल ईस्ट में जहां कोई देश सिर्फ सुन्नी या कोई शिया बहुल है, वहीं लेबनान में ईसाई, शिया और सुन्नी आबादी लगभग बराबर बराबर रह रहे हैं। लेबनान में वहां की राजधानी बेरूत से 81 किलोमीटर दूर टायर शहर में काना गांव है। यहां एक पत्थर पर पुरातन ईसाइयों ने जीसस और उनके अनुयायियों को पत्थरों पर उकेरा है। इन्हें अब तक संजोकर रखा गया है। लेबनान में 1960 के दशक में आर्थिक तरक्की के नए दरवाजे खुले। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 1950 से लेकर 1956 तक 7 सालों में लेबनान की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 50% की वृद्धि हुई। 1956 में लेबनान में बैंक गोपनीयता कानून लागू कर दिया गया। इस कानून के तहत खाता धारकों से जुड़ी जानकारियां साझा करने पर रोक लगा दी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि विदेशी नागरिकों ने लेबनान में अपना धन रखना शुरू कर दिया। इसकी वजह से यहां निवेश बढ़ा। दूसरी तरफ लेबनान ने खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसकी वजह से व्यापार और उद्योग पर सरकारी नियंत्रण कम था। इस दौरान मिस्र, सीरिया और इराक में चल रही राजनीतिक अस्थिरता की वजह से इन देशों के व्यापारी लेबनान में बस गए।
इससे लेबनान की आर्थिक क्षमताएं बढ़ती चली गईं। मिस्र के अहराम अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार 1950 के मुकाबले 1962 में लेबनान की जीडीपी दोगुनी हो गई। इस दौरान इसमें हर साल 4.5% की वृद्धि होती रही। लेबनान का बैंकिंग सेक्टर भी लगभग 200% बढ़ गया। 1950 के बाद से लेबनान में पर्यटन भी खूब बढ़ता रहा, लेकिन 1975 के आते आते लेबनान में गृह युद्ध शुरू हो गया। समीर मकदीसी और रिचर्ड सदाका की किताब द लेबनीज सिविल वॉर के मुताबिक लेबनान में गृह युद्ध की तीन अहम वजहें थी। पहला, धर्म के आधार पर पद की व्यवस्था। दूसरा, आर्थिक विकास में असमानता। ईसाई अमीर होते चले गए और मुस्लिम गरीब रह गए, इस कारण भी इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। और तीसरा, पड़ोस से आए सुन्नी और फिलिस्तीनी मुसलमानों ने ईसाइयों के प्रति नाराजगी जाहिर की। उन दोनों के बीच हमेशा ही लड़ाई चलती रही। तो सीधे जम करके आ जाते हैं 2024 में। अभी क्या कुछ हो रहा है, हिजबुल्ला कौन है और क्यों हिजबुल्ला पर आक्रमण करने के लिए लेबनान पर हमला किया है इसराइल ने, और अब वो सीरिया तक कैसे पहुंच गया है, आइए इसकी पड़ताल करते हैं। तो हिजबुल्ला एक उग्रवादी संगठन है। 1982 में लेबनान पर इसराइल आक्रमण के बाद ईरान और सीरिया के समर्थन से एक शिया मुस्लिम राजनीतिक और सैन्य बल के रूप में इसका गठन किया गया था। यह लेबनानी सरकार के भीतर एक राजनीतिक दल के रूप में काम करता है, लेकिन इसके बाहर भी अपने शिया अनुयायियों को सेवाएं प्रदान करता रहता है और अपना स्वयं का अर्ध सैनिक बल बनाए रखता है। हालांकि हिजबुल्ला की सेना को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन इसके शीर्ष नेता हसन नसरल्लाह ने पिछले साल कहा था कि समूह के पास लगभग 1,00,000 लड़ाके हैं और माना जाता है कि यह लेबनान की वास्तविक राजकीय सेना की तुलना में अधिक सुसज्जित है और बड़ी लड़ाकू सेना है। आपको बता दूं कि लेबनान इसराइल के ठीक उत्तर में स्थित है और लगभग 5.3 मिलियन लोगों का देश है, जो मैंने पहले बताया था। 1948 में जब इसराइल राज्य की स्थापना हुई थी, तब 1,00,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी शरणार्थी लेबनान भाग गए थे। फिलिस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेंसी UNRWA का कहना है कि वर्तमान में लेबनान में 2,00,000 से 2.5 लाख फिलिस्तीनी लोग रह रहे हैं। तो आपको समझ में ये बात आ गई होगी कि फिलिस्तीन के लगभग 2.5 लाख के आसपास लोग लेबनान में रहते हैं। हिजबुल्लाह एक उग्रवादी संगठन है और ये वहां की सत्ता का भाग है, और यही रीजन है कि जब लगातार फिलिस्तीन पर इसराइल आक्रमण होते रहे और होते रहे हैं पहले भी, तो लेबनान जवाबी हमला करता रहा है और हिजबुल्ला जो है ये उसका मुख्य संगठन है जो इसराइल पर आक्रमण करता है। कहा जा रहा है कि इसराइल पर जो आक्रमण लेबनान कर रहा है उसका जो लिंक है वो सीरिया और ईरान से है। ईरान इनको समर्थन भेज रहा है। तो ये जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है वर्तमान समय में, इसराइल ने जो मोर्चा खोल रखा है वो लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन, यहां तक इसके मोर्चे खुले हुए हैं। वो ईरान से सीधे नहीं लड़ रहा, ना ही ईरान इसराइल से सीधे लड़ाई लड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस छोटे से लेक्चर में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आपको समझ में ये आया होगा कि लेबनान क्या है, आपको ये समझ में आया होगा कि हिजबुल्ला के साथ लड़ाई क्यों चल रही है इसराइल की, आपको ये पता चला होगा कि हिजबुल्ला है क्या। अगर आप इस बारे में और कुछ जानना चाहते हैं डिटेल में, तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर मुझे पूछिएगा। मुझे इस बारे में बात करने में आपसे खुशी होगी। जानते रहिए देश दुनिया में क्या कुछ घट रहा है आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा में। जुड़े रहना है आपको। नमस्कार, जय हिंद।